आपको लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं नहीं भाई साहब, हम चले जाएंगे। आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, आजकल आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ है। वैसे जाना कहाँ है आपको? जी आसपास कोई लॉन्च होटल कुछ भी हो वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। जी आइए मैं ड्रॉप कर दूंगा, आइए भाभी जी प्लीज बैठिए। भाभी जी आइए भाई साहब। भाई साहब ईवीएम ऐसे नहीं मानेंगे। छूट गई ना इसलिए, सॉरी ना, नहीं थी चल पाई मैं तेज, पता तो है आपको, माफ कर दीजिए ना नंदराम के पापा। नंदराम के पापा? नंदराम, अच्छा नाम है ना भाई साहब? अच्छा नाम है भाभी जी, अच्छा है, मान जाइए ना नंदराम के पापा। देखो आप लोगों के झगड़े का असर बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए, आइए ना प्लीज। मान जाइए ना नंदराम के पापा, आ जाइए। अच्छा गाइस अब हमें उन्हें ढूंढने वापस जाना चाहिए, एंड होपफुली ऑन द वे फोन भी लगी जाएगा। कम ऑन, अरे बट रास्ते में जंगल पड़ेगा, अंधेरा भी होने वाला है, सेफ रहेगा जाना? नहीं तो दो भाई और इश्की हैं, फिगर आउट कर लेंगे उन्हें क्या करना है। मुझे तो रिया की फिक्र हो रही है, शी विल बी सो वरीड फॉर भैया। आई विश मैं मयंक के बारे में भी ऐसा कह सकता, पर उसे तो इश्की के बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है। मैं ये रख के आती हूँ। सोनू, जब पीछे मत रख, फिर कहेगी भूत खा गया। सबसे बड़ा भूत तो तू है, जब देखो खाता रहता है। गाइस गाइस आन भैया का फोन लग ही नहीं रहा है। तू लगा क्यों रहा है? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते राज। व्हाट? अरे आई मीन वो टैक्सी वैक्सी ढूंढ रहे होंगे ना, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैनेज कर लेंगे वो दोनों। और वैसे भी चलते हैं, मिंकी भाई और रिया को भी स्टेशन लेने चल रहे ना। चलो चलो चलो। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, बच्चों के लिए सब भूलना पड़ता है। यही तो मैंने समझा रही थी भाई साहब, लेकिन ये मेरी बात मानते ही कहाँ हैं? क्यों ऐसा क्यों करते हैं नंदराम के पापा? टुडे कॉल मी दैट। नाम तीन बंदा मीम मुझे बहुत सताया है ना, अब देखो मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। भाई साहब इन्होंने मुझसे कहा हम लोग ना ट्रेन से चलते हैं, गाड़ी का पेट्रोल बचेगा, ऐसी हालत में आप बताइए मुझे। अरे भाई साहब भाभी जी की प्रेगनेंसी में आप पैसे का मुंह देख रहे हो, वेरी सैड। भाई साहब यहाँ एक लॉज है, ऐसा करता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ उतार देता हूँ, प्लीज आप लोग रात को यहाँ रुक जाइए, झगड़ा सुलझा लीजिए, ये भाभी जी को खुश रखने का वक्त है। अपनी फैमिली को कॉल करना है। फैमिली? नंदराम के पापा हम दोनों भी तो आपकी फैमिली हैं। क्यों रुलाते हो भाई साहब, भाभी जी को मना लीजिए। मुझे नहीं, नंदराम को मनाइए, उसे मनाइए, कीजिए बात कीजिए। तुम ना मुझे इरिटेट करती हो, बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेट तुम ही मुझे करती हो। यू नो व्हाट, आइडियली मुझे ना तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए, तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए, लेकिन पता है क्या होता है, जब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता ना तो पलट के देखने का मन करता है तुम्हें, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो, बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। एंड यू नो व्हाट, आई डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू, बहुत सारी चीजें करता हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूँ इस बारे में।
बताने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहे बताएं या ना बताएं मुझे पता चल जाता है। मैं भले ही आपसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, चिढ़ती हूँ, चिढ़ाती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, आप हमेशा होते हैं मेरे साथ। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। मैंने ईवीएम की इतनी डांग खींच दी कि 2-3 इंच बढ़ गई होगी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। यू, अब नहीं छोडूंगा। वेलकम सर। हेलो मैम। प्लीज सर, कम इन। आइए ना मैम, प्लीज। नाउ व्हाट? बंद करो अपना ये ड्रामा। सामान मैं उठा लेता हूँ। सर आप भाभी को उठा लीजिए। कौन भाभी? किसकी भाभी? सर रिश्तों में लड़ाई होती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई से रिश्ता खत्म हो जाए। सर आप भाभी को उठा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कभी लाइफ में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मिस नहीं किया ना? नहीं। पता चल रहा है। कोई भी चीज़ अगर प्लान के अकॉर्डिंग ना हो ना, तो आहन को बहुत गुस्सा आता है। कहीं वो पूरा गुस्सा अपना इश्की पे ना निकाल दे। ओह गॉड, मुझे तो अब इश्की की फिक्र हो रही है। गाइस, आई विल जस्ट चेक इट, ओके? जिसे इश्की की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमने देखा, मैं इतने एक बार भी इश्की का नाम तक नहीं लिया। रिया, डोंट वरी, इश्की मैनेज कर लेगी। हाँ, इश्की और भैया में लड़ाई चलती रहती है। अगर आहान भैया कुछ कहेंगे ना, तो आई एम श्योर इश्की भी चुप नहीं रहेगी। लड़ाई? मुझे लगा ही लाइक सर। आहान ने कहा था, इश्की इज अ नाइस गर्ल, शी इज। मैं बैग्स लेके आता हूँ मैडम। लगी ना? एक मिनट। अरे क्या क्या कर रही हो? आपका फोन बज रहा है। उठाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो गई, उठा लिया। हाय रिया। आहान, तुम कहाँ हो? इन हेल। ये गिरने की क्या आवाज आई? कुछ नहीं, एक आटे की बोरी एक बेचारे ने उठा के रखी थी, वो गिर गई। आटे की बोरी? तुम हो कहाँ? एक लॉज में। आज रात यही गुजारनी पड़ेगी। कल सुबह मैकेनिक आएगा गाड़ी लेके, एंड देन आई विल सी यू एट द रिसॉर्ट। क्या? हेलो हेलो, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। कॉल ड्रॉप हो गई। भाई को एक रूम में लाओगे या दो? बताऊँ क्या? चल भाई, इस वक्त क्या फिल्मी सिचुएशन हो गई ना? निकालो इसे। टेक इट आउट। आप नंदकिशोरी के पीछे क्यों पड़ गए? कौन नंदकिशोरी? ये मैंने इसका नाम नंदकिशोरी सोचा। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। नीचे लॉज वाले सोच रहे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड। हाँ तो ये तो मेरी प्रॉब्लम हुई ना। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? आप जैसे हस्बैंड से बड़ी प्रॉब्लम और क्या ही हो सकती है? आप जैसा हस्बैंड ना भगवान रे दुश्मन को ना दे। जस्ट शट अप। एक तो इस लॉज में कोई दूसरा रूम नहीं है, ऊपर से वो लॉज वाला बोलते हैं कि आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो, एक रूम में एडजस्ट कर लेना। हम दोनों एक रूम में कैसे रह सकते? आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है ना? हाँ। बनवा लीजिए ना एक कमरा, रो क्यों रहे मेरे आगे? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मयंक को क्या जवाब दूंगा मैं? हम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते, इट्स नॉट राइट। अगर आपको एक कमरे में इतनी मिर्ची लग रही है ना,
मैं बात करके आती हूँ दूसरे कमरे की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिर्ची लग रही है एंड ऑल नाइट, दिस इज वेरी रॉन्ग, स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज। एंड सेकंडली नीचे जाके क्या बात करोगी, उसने बोल दिया ना कोई कमरा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जाके, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फालतू का ड्रामा करती रहती हूँ बस। जी नहीं, बल्कि ना आपको एक कमरा हम दोनों की वजह से मिला है। कौन हम दोनों? मैं और नंद किशोरी। इनफ ऑफ दिस ड्रामा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। होता यही हर दफा, चाहे जिसे गर्मी बहुत है ना, खफा कैसा जब है फलसफा, किस्सा हमारा अभी तक नहीं थी, एकदम से बढ़ गई। एसी का रिमोट का माहिया माहिया रिमोट मिली नहीं तुम्हें? मिल गया रिमोट। फिर से फोन नहीं लग रहा। इट्स ओके रिया, तुम्हारी एक बार बात हो गई है ना, चिल। अरे भाई जब छोटे थे ना तब से वो बड़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं, अब तो एक्चुअल में बड़े हो गए, सो डोंट वरी, जहां भी होंगे ना सेफ होंगे, चल। आई एम श्योर आहान भैया सुबह खुद ही कॉल कर लेंगे, जस्ट रिलैक्स। मिंगी भाई चले। भूत, भूत। साहब आपकी टिक्की में भूत है। कहाँ है भूत? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ब्रो ड्यूटी पे पी के आते हो क्या? नहीं साहब, शर्म नहीं आती? मैंने यही तो भूत देखा था। हाँ वो हमारे बास्केट में से भी दो एप्पल्स गायब थे। सुनो तुम यहाँ ऐसे बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। थैंक यू। वैसे भी मुझे पूरे बेड पे फैल के सोने की आदत है। तुम्हारे फोन पे नेटवर्क आ रहा है? नहीं, पर मैंने मैंग को मैसेज कर दिया, कभी ना कभी तो डिलीवर हो ही जाएगा। चलो मैं भी रिया को मैसेज कर देता हूँ। इतनी गर्मी क्यों है इस रूम में? कैसी गर्मी, अब तो एसी भी चल रहा है, वो भी पूरे 24 डिग्री पे। 24? अगर 24 पे ही सोना है तो बाहर जाके सोना। अरे आप कमाल करते, सोना आपको 16 टेम्परेचर पे सोना है तो जाके उत्तराखंड में सो रही है ना। अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है तो दो ब्लैंकेट तोड़ के सो जाओ, मैं गर्मी में नहीं सो सकता। अरे तो मैं सर्दी में नहीं सो सकती। तो क्या करती हो तुम, नवंबर टू जैन सोती नहीं हो क्या, पूरी रात जगती रहती? क्यों, आप मई टू जुलाई जागते रहते हैं? देखो मुझे ना तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, ये टेम्परेचर 16 पे रहेगा एंड इट्स फाइनल। अरे मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं ऑलरेडी तुम्हारी बातें सुन सुन के बीमार हो चुका हूँ। देखिए आपके ये धौंस पट्टी यहाँ नहीं चलेगी। स्टॉप यूजिंग सच वर्ड्स। और पहली बात तो ये है, इस रूम के पैसे ना मैंने दिए, तो जो भी पट्टी है वो मेरी चले। कुछ चले या ना चले, ये एसी 16 टेम्परेचर पे नहीं चलेगा। रही बात पैसों की ना, रुकिए। अब क्या कर रही हो? ये लीजिए 150 रुपए और 12 रुपए की टॉफियां, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी। तुम बाकी के पैसे दो या ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिमोट यही रहेगा। नहीं रहेगा, एसी 24 पे चलेगा। एसी का टेम्परेचर 16 पे ही रहेगा। मैंने बोला
24। मैंने कहा ना एसी 16 पे रहेगा। मैं बोल रही 24 पे चलेगा। मैंने कहा ना 16 पर। अरे जिद मत की ना हमें। ये लो आप तो रिमोट चलेगा ही नहीं, 16 पे रहेगा टेम्परेचर। सर्व यू राइट राइट। मैं मजाक नहीं कर रही थी, अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मैं सचमुच में बीमार पड़ जाऊंगी। जब तुम्हारे नाटक हो जाए ना तो लाइट बंद कर देना। ओहो, नाइस यार। भाई ने क्या सही डिजाइन किया है ना। अरे भाई से याद आया, सही हो गया कि भाई की रिया से बात हो गई, कम से कम पता चला कि दोनों साथ में है, वरना रात भर हम लोग ट्राई करते रह जाते। सब लोग नहीं, सिर्फ तू, मैं, सोनू और रिया ट्राई कर रहे थे। तो बचा कौन? मयंक। यार तुझे थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता कि मयंक ने एक बार भी इश्की को फोन करने का ट्राई तक नहीं किया? तो ट्रेन में कर लिया होगा या कहीं पर भी कर लिया होगा, मैं देखा नहीं होगा। और क्या? ओके मे बी। अरे सोनू के पास चलते हैं, वो कार वाला भूत आएगा ना, उसको डराते हैं। लड़की है या नाटक? गॉड, इसकी बॉडी तो बहुत गर्म है। हेलो, आपके पास बुखार या कोल्ड की कोई दवाई? हाँ तो प्लीज अर्जेंटली 609 रूम नंबर में भेज दीजिए। या थैंक्स। पहले तो पूरे रूम को खुद जनवरी बना दिया, उसके बाद ऐसे दिखा रहे जैसे मेरी बड़ी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र करो उसमें भी प्रॉब्लम, तुम किसी को अपनी हेल्प करने नहीं देती, अजीब हो तुम। मैं अजीब नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, आप अजीब हैं। बेचारी रिया को पता भी नहीं है कि उसकी लाइफ परमानेंट से होने वाली है। ना हान को मैसेज डिलीवर हो रहा है, ना है इश्की को। रिया, हाँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्यों? अरे वो चीपड़ा कार्तिक है ना, वो इश्की और भैया के बारे में जोक्स क्रैक करता रहता है, और मुझे लगा कि तुम। आई नो इट्स जस्ट फॉर फन। इश्की और मयंक की शादी हो रही है, मैं और अहान कमिटेड है, मैं तो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। थैंक गॉड, नहीं तो वो कार्तिक चीपड़ा है ना, वो किसी भी कपल में लड़ाई करवा सकता है। अब तुम तो जानती हो वो कैसा है। एक्चुअली आई डोंट, मैं पहली बार मिल रही हूँ ना तुम लोगों से, और अहान ने भी कभी नहीं मिलवाया पहले। हाँ लेकिन अब मिलवा दिया ना, एंड बिलीव मी ये बहुत बड़ी बात है। He must really like you a lot, like actually. I hope so. पता है, अहान ने जब मुझे out of the blue मुझे अपनी family function में invite किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अहान भैया और तुमने कभी वो आगे का कभी शादी के बारे में कभी discuss किया है? मैडम आपकी दवाई है। Thank you भैया। आप एसी भी ठीक करवा देना। हाँ सर, कल सुबह मैं करवा देता हूँ, या तो फिर रिमोट ठीक करवा देना, जो भी जैसा। यस। ऐसी दवाई दी है कि भाभी जी को भी आराम हो जाएगा और आपको भी आराम हो जाएगा। मैं अपनी वाइफ को भी यही देता हूँ। बुखार की दवाई दी है ना? बुखार की दवाई दी है, लेकिन इससे क्या नींद बहुत ज्यादा आती है, तो भाभी जी और आपका दोनों का आराम हो जाएगा।
मतलब बुखार भी ठीक हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। यस सर। ओके। चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सार इश्क पे करेंगे वार इश्क पे ये दर्द है या है दवा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.